हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं नूडल्स आप सभी के लिए। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, आपके अपने चैनल दिल से भाई भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, नूडल बनाएं, फटाफट सर्व करें। आज हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, उनके लिए नूडल बन रहा है फटाफट। तो देखिए, सर्व करते हैं और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए। तो आपको दिखाते हैं हमारे घर पे कौन कौन आए हैं। तो थोड़ा सा स्प्रिंग करेंगे हरी प्याज से। तो देखने देखिए, यह नूडल्स देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है, लग रहा ना देखने मार्केट जैसा। तो मिलवाते हैं आपको अपने गेस्ट से कौन कौन हमारे घर पे आए हैं। देखिए किस तरीके सब लोग बैठे हैं नूडल्स खाने। परफेक्ट। सारे लोग फीडबैक दे रहे हैं, फरमा भी रहे हैं। तो बिना देर किए हुए ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं, और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो क्या करना हो तो पता ही आपको। नूडल बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया 1 kg नूडल्स, और ये फ्रेश नूडल्स है तो इसको हम 1 kg है तो पूरा बनाएंगे नहीं, हाफ बनाएंगे, हाफ नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे नूडल्स को, हाफ तो हमने हाफ कर लिया है। उसके बाद ले लिया है एक भगोना, उसमें पानी रख दिया था पहले से बॉईल होने के लिए। जब पानी बॉईल हो जाए तो इसमें सभी नूडल्स को डाल देना है, 2 से 3 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है। ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना है, अगर ये ओवर कुक हो जाएगा तो ये टूटने लगेगा और खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो एक कपड़ा लेंगे, 3-4 मिनट बाद इसको हम छान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे छान लिया है, छानने के बाद हम इसमें डाल देंगे ठंडा पानी ताकि। तो देखिए यहाँ आपने ले लिया वेजिटेबल्स, कैबेज, शिमला मिर्च, प्याज, हरी प्याज, लहसुन, हरी प्याज की पत्तियाँ हैं और एक गाजर हैं। सभी को हमने धो के चॉप कर लिया है। एक गाजर है और एक शिमला मिर्च है और एक अनियन है। और यहाँ पर ले लिया है हमने ग्रीन चिली और विनीगर, और यहाँ पर ले लिया अजीनोमोटो। और उसके बाद एक कढ़ाई ले ली, उसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, 2 बड़े चम्मच ऑयल। उसके बाद इसमें डाल देंगे तेल गर्म होने के बाद लहसुन, लहसुन डालने के बाद हम डाल देंगे हरी प्याज। उसके बाद हमने यहाँ पे प्याज ली है जो हम नॉर्मल प्याज, इन सभी को फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। तो यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं। तो उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च, उसके बाद डाल देंगे कैबेज। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा इसका क्रिस्पीपन रहना चाहिए नूडल्स में, खाने में और बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो पहले सबसे पहले इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद बाकी वेजिटेबल्स हम ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद हम ऐड कर देंगे गाजर, इतना कलरफुल लग रहा है ना वेजिटेबल्स पूरे। यहाँ पे सभी चीज़ों को लास्ट में डाल देंगे हरी मिर्ची, और इन सभी को हमें 1 से 2 मिनट रोस्ट करना है। यहाँ हम डाल रहे हैं स्वादानुसार नमक। यहाँ पे हमें नमक डालने के बाद हाई फ्लेम पे 2 मिनट लिए अच्छे से सभी सब्जियों को हमें भूनना है। हाई फ्लेम से भूनने से ये होगा, हमारी सब्जियां अच्छे से पक जाएंगी और थोड़ी सी क्रिस्पी होंगी, क्रंची होंगी। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल्स डाल दिया था विनीगर, 2 टेबल्स डाल दिया था ग्रीन चिली, और 2 टेबल्स डाल दिया था हमने सोया सॉस। उसके बाद अजीनोमोटो डालने के बाद इसको हमें अच्छे सभी को वेजिटेबल साथ हमें मिक्स करना है सभी चीज़ों को। तो देखिए कलर एकदम चेंज हो गया है सोया सॉस को डालते ही। इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे नूडल्स। तो देखिए हमारे नूडल्स कितने खिले खिले हैं। इसके बाद हमें फोक से अच्छे से हमें वेजिटेबल्स और नूडल्स साथ मिक्स करना है। तो यहाँ पे हम फटाफट मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सोया सॉस थोड़ा सा कम लग रहा है तो 1 टेबल स्पून और डाल देंगे। डालने के बाद फिर से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। तो
देखिए कितना ब्लैक लग रहा है, अभी थोड़ी देर में अच्छे से मिलने के बाद थोड़ा सा लाइट कलर इसका हो जाएगा। इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया, ऊपर से डाल देंगे हरी प्याज की पत्तियाँ, इससे स्वाद और बढ़ जाता है। तो इनको भी अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। और 2 मिनट भूनने के बाद तो यहाँ पे हमारी नूडल्स बन के तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। देखिए जैसे सब मिल गया तो कितना लाइट कलर हो गया। तो इसको हम करते हैं सर्व। सर्व करने के लिए हमने प्लेट ले लिया, एक डिस्पोजल प्लेट, तो उसमें डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा नूडल्स बन के रेडी हो गया गर्मा गर्म। तो सर्व करते हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम इस तरीके सर्व करेंगे और आप भी इंजॉय करिए इस तरीके से नूडल्स बना के। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप ये भी बताइएगा ताकि हम आपको थैंक यू बोल पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई है तो लाइक शेयर, चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।